हाय गाइज, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और हम लोग देख रहे हैं बूट स्टेप 4 का ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म के इनपुट के बारे में, ठीक है। बूट स्टेप में HTML5 के सारे फॉर्म कंट्रोल को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। जिसमें कि अगर आपको बता दें तो यहाँ पे एक न्यू फाइल लेके आपको दिखा देते हैं। तो इसमें जो पहला होता है वो इनपुट टाइप जो भी होता है वो फॉर्म कंट्रोल में इनपुट हो जाता है, और सेकेंड जो है हम लोग का टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया, और एक चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स भी होता है, और चेक बॉक्स के साथ साथ रेडियो होता है, और फिर एक और होता है सेलेक्ट आपको, ठीक है। तो ये हम लोग के पास फॉर्म कंट्रोल होता है जिसमें इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, चेक बॉक्स, रेडियो और सेलेक्ट है। तो अब हम लोग को इसमें यूज जब करना है तो बूट स्टेप 4 में HTML के अगर हम लोग पहला का बात करें यहाँ पे जो कि इनपुट है फॉर्म कंट्रोल में इनपुट, अगर इसका बात करते हैं अगर हम लोग, तो बूट स्टेप 4 में HTML5 के सारे इनपुट टाइप सपोर्ट करता है। बूट स्टेप 4 है वो HTML5 में जितने भी इनपुट टाइप थे सबको सपोर्ट करता था, जैसे कि टेक्स्ट है, पासवर्ड है, डेट टाइम है, डेट है, मंथ है, वीक है, नंबर है, ईमेल, URL, और भी जैसे कि सर्च है, टेलीफोन के लिए है और कलर के लिए है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मतलब सारे जो इनपुट होते हैं उनको बूट स्टेप 4 सपोर्ट करता है। तो अब एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ अगर समझते हैं तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है inputs.html, ठीक है। और इसमें CDN को लिंक किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे एक डिब कंटेनर लिए हैं, इस डिव कंटेनर में एक हम लोग डिव लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। एक्चुअली हम लोग ने अभी तक फॉर्म पढ़ा नहीं है, फॉर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक हम लोग इस वीडियो में इनपुट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनपुट क्रिएट करना है बूट स्टेप में तो एक हम लोग का क्लास ऐड करना होता है, उसको हम लोग ऐड करेंगे। फॉर्म ग्रुप ग्रुपिंग कर रहे हैं, हर जितने भी इनपुट होंगे सबको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, और उस ग्रुप होगा जो कि फॉर्म के ग्रुप के अंदर रखेंगे। इसलिए हम अपन एक क्लास बनाते हैं फॉर्म डैश ग्रुप, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि HTML CSS को हम लोग फास्टर तरीके से कैसे लिख सकते हैं तो आपको इसी चैनल पे उसके दो वीडियो मिलेंगे, वो आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग फास्टली HTML और CSS का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया फॉर्म ग्रुप का, ठीक है। और एक लेबल लेते हैं, लेबल, और इसमें हम लोग सपोज की नेम देते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर नेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो इनपुट का नेम होगा वो हो जाएगा नेम टाइप का होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इनपुट क्रिएट करेंगे, ओके। और इसमें इसका टाइप टेक्स्ट होगा, और इसके साथ इसका नेम भी कुछ रख लेते हैं, सपोज की नेम रख लिया इसका नेम। और यहाँ पे हम लोग को क्लास देना होगा, ठीक है, क्लास क्लास देना होगा कि यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ पे देंगे हम लोग फॉर्म डैश कंट्रोल, ओके। अगर आप इसको सेव करके हम दिखा दें यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक हम लोग का इनपुट टैग बन चुका है जो कि फॉर्म कंट्रोल है। और एक यहाँ पे हम लोग जो भी चाहें उसको हम लोग इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग सिंपली कॉपी करते हैं यहाँ पे, कॉपी करने के बाद इसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, एक और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सपोज रख लिए पासवर्ड के लिए, पासवर्ड आ जाएगा, और टाइप इसका हम लोग टेक्स्ट पासवर्ड दे देते हैं, ये हो गया पासवर्ड। अब ये सिक्योरिटी टाइप से यहाँ पे इनपुट लेगा, और यहाँ पे हम लोग ईमेल कर देते हैं, ठीक है, ईमेल, और इसका हम लोग इनपुट टाइप कर देते हैं ईमेल। अभी अगर इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ गया, यहाँ पे ईमेल आ गया। यहाँ पे सपोज कि अपना नेम डालते हैं, उसके साथ यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, तो देखिए पासवर्ड ले रहा है। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे ईमेल डालते हैं, और इसको जब हम लोग सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा, बल्कि ये यहाँ पे लेगा ईमेल, जो कि ईमेल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे @gmail.com करके, ठीक है। तो ये अलग बात है कि हम लोग उसको देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं केवल इनपुट को, ठीक है। तो ये था इनपुट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है जो नेक्स्ट था हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के लिए
हम लोग को सेम कंडीशन फॉर्म ग्रुप के अंदर एक लेबल लेते हैं और इस लेबल का हम लोग यहाँ पे नेम फॉर कर देते हैं कमेंट के लिए, इसी को चेंज कर लेते हैं कमेंट। ओके, और यहाँ पे ईमेल के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया का एक टैग लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसका नेम अभी कुछ नहीं रहेगा और इसको ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्लास ऐड कर देते हैं क्लास क्लास, और क्लास को हम लोग दे देंगे वही सेम चीज़ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम दे देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। अभी अगर इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर को आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे कमेंट आ रहा है जो कि हम लोग का फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कमेंट और ये नेम है और ये पासवर्ड है। अगर इसको रिमूव करके आपको दिखाएं, यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखें तो ये सही है, यहाँ पे इसको सेव कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कॉल्स हटा लें और यहाँ पे थोड़ा सा रो को कर लेते हैं 5 और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट हम लोग का फुलफिल, जैसे कि कमेंट चाहिए वैसा हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट एरिया। अब इसके बाद हम लोग को देखना था इसमें चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्म ग्रुप के जगह पे हम लोग को सिंपली लगाना होगा चेक, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्म चेक। ओके, और इसके बाद यहाँ पे लेबल में हम लोग को ऐड करना होगा, यहाँ पे एक क्लास ऐड करना होगा चेक बॉक्स के लिए क्लास। यहाँ पे हम लोग को ऐड करना होगा फॉर्म चेक। ठीक है, फॉर्म चेक डैश लेबल। ओके, अब इसको सेव करते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद अब हम लोग को जो काम है कि यहाँ पे कमेंट को रिमूव करें और इस लेबल के अंदर एक इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट टैग, और इसमें हम लोग जो टेक्स्ट डालेंगे टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डालना है बल्कि यहाँ पे डालना है हम लोग को चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। और उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग को क्लास ऐड करना होगा इनपुट टाइप का, यहाँ पे क्लास में हम लोग देंगे फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म चेक डैश इनपुट। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं या नहीं भी पास कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग को जो चेक का नेम देना है, जो चेक पे हम लोग का नेम है, सपोज यहाँ पे नेम देते हैं सिलेक्ट। ओके, सेव करते हैं इसको और ब्राउजर को आके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें तो एक हम लोग का चेक बॉक्स आ चुका है। चेक बॉक्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमको क्या क्या उस ऑप्शन में चूज करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स। अगर इसको हम कॉपी कर लें यहाँ से, सिंपली कॉपी करते हैं और इसको हम 2-3 दफ़ा नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 3 बार पेस्ट कर दिए, यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट टू टू कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं और इसको हम लोग 2 कर देते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट 3 कर देते हैं। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम लोग का 3 चेक बॉक्स आ चुका है। देख सकते हैं कि तीनों को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का चेक बॉक्स। अब हम लोग को जो नेक्स्ट था वो था रेडियो बटन के लिए, कि रेडियो बटन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हम लोग का सेम जो चीज़ है इसमें सेम करना है, केवल टाइप में, यहाँ पे केवल टाइप में हम लोग को कर देना है रेडियो। ओके, यहाँ भी रेडियो और यहाँ भी हम रेडियो कर देते हैं। अभी उसको सेव करते हैं। रेडियो बटन का क्या होता है कि जो भी चेक बॉक्स में होता है कि सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, रेडियो बटन में हम लोग को एक ही सेलेक्ट करना होता है, या तो एक सेलेक्ट होगा, अगर दूसरा हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो पहला वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के पास 3 रेडियो बटन है, इसमें हम लोग एक ही को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया तीनों। ओके,
तो ये था हम लोग का रेडियो बटन। अगर इस फॉर्म को हम लोग को इनलाइन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे एक बार इसको रिफ्रेश करके फिर से। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जब भी इस पे रेडियो पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे पे क्लिक हो जा रहा है, बल्कि हम लोग को रेडियो ऐसे चाहिए कि एक पे जब हम इसको सेलेक्ट करें तो दूसरा जो है वो अनसेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को करना ये है कि यहाँ पे जो फॉर्म ग्रुप है यहाँ पे हम लोग नेम देंगे, ठीक है, और नेम सबका एक ही देंगे, जो भी इनपुट होगा उसका नेम हम लोग यहाँ पे एक ही देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लोग एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, वन पे सेलेक्ट किए और जब हम टू पे सेलेक्ट करें तो पहला वाला अनसेलेक्ट हो गया। वैसे हम थ्री पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम टू पे सेलेक्ट करते हैं तो तीसरा वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग को इसको इन लाइन करना है तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म डिव बना रहे हैं इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे डैश देके इन लाइन इन लाइन। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद सिंपली यहाँ भी हम लोग को यही सेम चीज़ इन लाइन फॉर्म ग्रुप के बाद हम लोग को पेस्ट करना है। यहाँ भी पेस्ट कर दिए और उसके साथ यहाँ भी हम पेस्ट कर दे रहे हैं। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ हम लोग का अब इन लाइन में आ चुका है। ऐसे ही अगर हम लोग चेकबॉक्स के लिए यूज कर रहे थे तो चेकबॉक्स के लिए सेम हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इन लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का रेडियो हो गया। अब इसके बाद है हम लोग का सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट में दो चीज़ें होती है, या तो पहला होता है कि सेलेक्ट में एक को हम लोग सेलेक्ट करें और दूसरा होता है कि मल्टीपल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं, सारे को रिमूव कर दिए। यहाँ पे अब कंटेनर के अंदर एक सेलेक्ट लेते हैं, ठीक है, और बल्कि एक डिव लेते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और डिव का क्लास जो होगा, इसका जो क्लास होगा इसको हम कर देते हैं फॉर्म ग्रुप, ठीक है, डैश फॉर्म ग्रुप। और उसके बाद यहाँ पे लेवल, ओके, लेवल फॉर हम लोग दे सकते हैं सपोज कि सेलेक्ट दे सकते हैं या फिर सेल दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेवल दे दिए और यहाँ पे दे देते हैं सेलेक्ट लिस्ट, ओके। और इसके बाद हम लोग जैसे सेलेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे सेलेक्ट, ओके। यहाँ पे नेम हम रहने देते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग आईडी को भी रहने देते हैं। फिर सिंपली हम लोग को देखना है कि कैसे होता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक क्लास ऐड कर लेते हैं और क्लास का जो नेम होगा उसको हम लोग दे देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, ओके। अब सेलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शन देंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन वैल्यू 1 कर देते हैं और यहाँ भी हम 1 कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे 3, 4 एंड लास्ट वन इज 5। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे इसको 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6। हाँ 6 6, तो यहाँ पे 1, बल्कि ये सेलेक्ट है तो यहाँ पे नेम हम लोग को नहीं देना था, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 2 रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 4 एंड लास्ट वन इज 5, ठीक है। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास सिलेक्ट आ गया, यहाँ पे हम लोग जो चाहें उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो एक हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल सेलेक्ट 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक ही को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल यूज करना है
तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को एक और क्लास ऐड कर लेना है, मल्टीपल क्लास करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल दे देते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट के अंदर क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल होगा। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल आ चुका है, 1 2 3। यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसी को हम सिंपली 2 3 बार और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सबको, इससे आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। सेव कर लेते हैं इसको और आके पेज को हम लोग यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके जितना हम लोग को सिलेक्ट करना चाहें उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करना कैसे होता है इसमें तो आपको बता दें, कंट्रोल या शिफ्ट दे के हम लोग जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग जो सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना, उसके बाद हम लोग को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का इनपुट कि बूट स्टेप 4 में हम लोग फॉर्म कंट्रोल के इनपुट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।